4 साल पहले हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड का नाबालिग दोषी आतंकियों के संपर्क में है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये शक जाहिर किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में 4 साल पहले 2012 में हुए निर्भया कांड के नाबालिग दोषी को लेकर आईबी ने यूपी सरकार को अलर्ट जारी किया है। आईबी ने शक जाहिर किया है कि नाबालिग दोषी के तार आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक बाल सुधार गृह में निर्भया कांड का आरोपी एक कश्मीरी युवक के साथ रहा था। यह कश्मीरी युवक दिल्ली में साल 2011 के दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाकों में शामिल था। दोनों साल भर तक एक ही कमरे में रहे थे, तो हो सकता है कि ये दोषी आतंकियों के संपर्क में हो। दोषी की रिहाई से पहले ही आईबी की रिपोर्ट में उसके ब्रेन वॉश की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कश्मीरी युवक ने उसे जिहादियों से जुड़ने और कश्मीरियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उकसाया था। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर युवक की कट्टर प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए काउंसलिंग भी कराई गई। आपको बता दें कि घटना के वक्त नाबालिग होने की वजह से दिल्ली गैंगरेप के दोषी को पिछले साल दिसंबर में रिहा किया गया था। इसकी रिहाई पर देश भर में कड़ा विरोध हुआ था, यहां तक कि निर्भया के माता पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब ये दोषी बालिग हो चुका है और आतंकियों से संपर्क का शक होने की वजह से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो क्या महज कश्मीरी युवक के साथ एक ही कमरे में रहने से ही इस शक को पुख्ता किया जा सकता है कि निर्भया का दोषी आतंकियों के संपर्क में है, या फिर आईबी के पास कुछ और सबूत हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि वो आतंकियों के संपर्क में है? देखते रहिए टीवी लाइव।